अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द फ्री एंड सेंस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अहमद सुहेल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक का ओवरव्यू, जिसमें हम आपको DHFS 9 प्रिज्म का जो है आर ब्लॉक है इसका कंप्लीट आपको आज हम ड्रोन से ओवरव्यू देंगे, जिसमें आप इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट वो जो है देख सकते हैं। अब इसकी सबसे पहले हम एंट्रेंस की अगर बात कर लें तो आज जो हम अपनी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक में कहाँ से आ सकते हैं, DHFS 9 प्रिज्म में आप कहाँ कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के हम आपके हमारी जो वीडियो में आप देखेंगे, इसमें आप ये देखेंगे कि हम DHFS 6 के डी ब्लॉक से होते हुए DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक की तरफ आ रहे हैं, मतलब DHFS 6 का डी ब्लॉक से भी आप इसमें एंटर हो सकते हैं। फिर अगर लास्ट वीडियो में जिस तरह हमने आपको क्यू ब्लॉक का ओवरव्यू दिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि DHFS 9 प्रिज्म में आप अस्कर 11 से होते हुए भी आ सकते हैं। और तीसरी एंट्रेंस की अगर इसकी हम बात करें तो लाहौर रिंग रोड से होते हुए आप सीधा अगर आते हैं तो आशियाना हाउसिंग सोसाइटी से आप एग्जिट लेते हैं, तो साथ ही आप एफ़ ब्लॉक में DHFS 9 प्रिज्म का जो एफ ब्लॉक है उसमें आप एंटर होते हैं, वहाँ से भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। और तीसरा इसका फिरोजपुर रोड से आ सकते हैं, एंड देन आप जो है DHFS 9 प्रिज्म का जो आर ब्लॉक में स्पेसिफिकली इसमें अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो ये साथ यहाँ पे थिएटर विलेज है, वहाँ से भी इसकी एंट्रेंस है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज आपको ऑन ग्राउंड हम दिखाएंगे ड्रोन व्यू के साथ के 5 मल्ला कटिंग्स इसमें कहाँ पर आ रही हैं, उनकी प्राइजेस क्या हैं, मिनिमम प्राइजेस क्या हैं, मैक्सिमम प्राइजेस क्या हैं, एंड देन 10 मल्ला के जो हमारे प्लॉट्स हैं यहाँ पर उनके प्राइजेस क्या हैं, और फिर एक नाल के जो प्लॉट्स हैं वो यहाँ पर किस लोकेशन पर आ रहे हैं, पार्क्स यहाँ पे कहाँ पे हैं, और मॉस्क है जो इस DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक में है, पार्क्स हैं, मॉस्क है, और कंप्लीट यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ एक ब्लॉक में होनी चाहिए कंप्लीट इस ब्लॉक में जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और ये ब्लॉक रेडी टू पोजेशन है, किसी भी टाइम इस ब्लॉक में जो है वो पोजेशन आ सकता है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ड्रोन व्यू में आपको कंप्लीट जो है हम इसका ओवरव्यू दिखाते हैं। तो ये अब हम आ चुके हैं DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक में, जहाँ पर 5 मरला के प्लॉट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हम आपको ये 5 मरला के प्लॉट्स का अभी ये ड्रोन व्यू दिखाएंगे, जिसमें आप प्रॉपर इसका जो है वो व्यू देख सकते हैं। आप ड्रोन व्यू दिखाने से पहले मैं आपको प्राइजेज़ का अगर यहाँ पर बता दूँ, जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइजेज यहाँ पर स्टार्ट होती हैं 60 लाख रुपये से लेकर और 85 लाख रुपये तक यहाँ पर 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइज हैं। अब ये प्राइजेज ऊपर नीचे होती हैं डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट जो है। अगर आपका प्लॉट मेन रोड के करीब आ रहा है या फेसिंग 10 मरला आ रहा है या फेसिंग 1 कनाल आ रहा है तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर आपका प्लॉट उसी तरह अगर हम देखेंगे पार्क के कहीं पे पास आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लॉट की प्राइस जो है आपकी वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। अगर आपका प्लॉट बाउंड्री पे कहीं पे जाके आ रहा है तो देन वो जो है चला जाता है 60 के रेंज में, 60 लाख के रुपये की रेंज में जो है आपका वो प्लॉट चला जाता है। चले आए हम आपको इसका जो है वो ड्रोन से ओवरव्यू दिखाते हैं कि आर ब्लॉक में 5 मरला की कटिंग का ड्रोन ओवरव्यू क्या है। तो ये आपने देखा 5 मल्ला का हमने आपको ड्रोन का ओवरव्यू दिखाया है DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक का। अब हम आपको लेकर चलते हैं DHFS 9 प्रिज्म आर ब्लॉक के जहाँ पे 10 मल्ले की कटिंग है, उसका हम आपको प्रॉपर ड्रोन से व्यू दिखाएंगे और आपको बताएंगे DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक में 10 मल्ला के प्लॉट की प्राइजेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पर एंड हो रही हैं। तो चले आए हम DHFS 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक में उस लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर 10 मल्ला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं।
राइट नाउ मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक में, ये वो एरिया है जहाँ पर 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और 10 मरला के प्लॉट्स की यहाँ पर अगर हम प्राइजेस की बात करें तो 10 मरला प्लॉट प्राइजेस की यहाँ प्लॉट की जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होती हैं एक पच्चीस से लेकर और 155 तक, मतलब 1,25,00,000 रुपये से लेकर 1,55,00,000 रुपये तक आपको यहाँ पर 10 मरला का प्लॉट मिलता है। मेरे यहाँ पर राइट साइड पर अपार्टमेंट्स हैं जो डीएचए फेज 9 प्रिज्म के इस आर ब्लॉक में है, एंड देन आप इसमें जो है अपार्टमेंट्स के बिल्कुल साथ यहां पर पार्क अवेलेबल है, एक बहुत बड़ा जो इसमें पार्क है आर ब्लॉक में। और प्राइसेस का मैंने आपको ऑलरेडी इसका बता दिया है, इसका हम आपको अब ड्रोन व्यू दिखाते हैं जिसमें ड्रोन व्यू में आप कंप्लीट आर ब्लॉक का जहां पे 10 मरला के प्लॉट्स आ रहे हैं उसमें कंप्लीट आप इसका व्यू जो है वो ड्रोन के साथ देख सकते हैं। तो ये था डीएचए फेज 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक के 10 प्लॉट्स का ड्रोन के साथ ओवरव्यू। अब हम जहां पर खड़े हुए हैं यहां पर एक कनाल के प्लॉट्स का एरिया है सारा, एक कनाल के प्लॉट्स यहां पर अवेलेबल हैं। और जिस करंट लोकेशन पर मैं अभी खड़ा हूं यहां पर आपको हम ड्रोन के साथ दिखाएंगे कि एक कनाल के प्लॉट्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या बन रही है, और इसके साथ ड्रोन के साथ आप कंप्लीट इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। ड्रोन का ओवरव्यू दिखाने से पहले मैं आपको यहां पर एक कनाल के प्लॉट की प्राइसेस बता देता हूं। एक कनाल का प्लॉट यहां पर जो मिनिमम प्राइस स्टार्ट होती है वो 1,60,00,000 रुपए से लेकर, और जो मैक्सिमम प्राइस है वो 2,50,60,00,000 रुपए तक यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस जो है वो एक कनाल के प्लॉट की है। ये तो हो गया इसके प्राइसेस के बारे में हमने बात कर ली है, अब चलते हैं हम इसके ड्रोन व्यू की तरफ। तो ये था हमारा आज का डीएचए फेज 9 प्रिज्म के आर ब्लॉक का ओवरव्यू ड्रोन कैमरे के साथ, जो हमने आपको कंप्लीट बताया है कि 5 मरला प्लॉट्स कहाँ पर हैं, 10 मरला प्लॉट्स कहाँ पर हैं, और एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं। मजीद अगर आप अपना कोई प्लॉट यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, या आप अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। और आप मजीद कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट किस ब्लॉक के आपके लिए जो है वो वीडियो लेकर आए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे न्यू लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह जल्द आएंगे कि नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।